अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सुरभि माँ, सुरभि जी, सुरभि माँ, ये क्या कर रही हैं? सुरभि माँ, माँ मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, अगर आपको सजा देनी है तो मुझे दीजिए, खुद को नहीं। सुरभि जी बच्चे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये क्या तरीका है अपने आपको सजा देने का? हटाइए इस दिए से अपना हाथ, हटाइए आप। सुरभि जी मेरी बात मानिए, हटाइए अपना हाथ। ये क्या कर रही हैं आप? अटकी भाव क्या कहें तुम्हें और कैसे कहें, आज से पहले अपने आप को इतना बेबस, इतना मजबूर कभी महसूस ही नहीं किया। मड़की बहू को हमने बाहर कहा, वो हमारा अनादर करके चली गई। अब तो किसी से भी कुछ भी कहने को डर लगता है कि हम किसी से कुछ कहें और वो अभी हमारा अनादर। नहीं बाबूजी, नंदनी जल्दी जाओ बर्फ लेके आओ, सुमन कोई मरम है क्या? हाँ। जाओ बेटा जल्दी। सुरभि माँ छोड़ दो हमें, कुछ नहीं होगा अभी, सब से हमारा हाथ उतना नहीं जला है जितना अंदर से हमारा मन जला है। बर्फ हमारे मन को ठंडा कर पाएगी और ना ही मरम हमारे दिल पे लगे घाव को भर पाएगा। यही हमारा प्रायश्चित है, क्योंकि ये जो कुछ भी हुआ है आज घर में, ये सब हमारे कारण हुआ है। यही हमारा प्रायश्चित है, जिस घर को इतने सालों की तपस्या से हमने एक डोर में बांध के रखा, उस डोर का ही एक धागा उधरता जा रहा है बाबूजी। जिस घर को एक ही डोर से बांधे रखने में हमने बरसों लगा दिए, और टूटेगा तो डर तो होगा ना बाबूजी। और इस सब का कारण कौन है? जिसे लोग हमारा राम बेटा कहते हैं, और वो जिसे हमारी आंखों ने चुना और मन से स्वीकारा। आज बाबूजी की बात का अनादर हो गया, किसके वजह से? आप शांत हो जाइए प्लीज। प्लीज सुरभि माँ, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी ऐसे, प्लीज। हमने कभी नहीं सोचा था कि ये सब देखना पड़ेगा। दीदी का घर छोड़ के जाना हम पे हजारों सवाल खड़े कर रहा है, जिसका कारण क्या है? शायद हमारी परवरिश, कि हम अंशुमन को ऐसी परवरिश दे ही नहीं पाए जिससे वो आदर्श बेटा बन सके। शायद हमारी आंखें, हमारा मन सुमन को परख ही नहीं पाया। आप शांत हो जाइए, ये सब बातें तो हम बाद में भी कर सकते हैं। बात तो बिगड़ चुकी है अंशुमन, घर बिखर गया है, ऐसा लगता है सब कुछ खत्म होने वाला है। हम अंशुमन झा की पत्नी सुमन झा सरस्वती माता के सामने खड़े होकर प्रण लेते हैं, क्योंकि हमारे और अंशुमन जी के शादी के कारण ये परिवार बिखर रहा है, तो आज से हम और अंशुमन जी विवाहित होते हुए भी अविवाहित की तरह रहेंगे इस घर में। जब तक सुरभि माँ और बड़ी माँ
हमारे इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर लेती, हमें खुशी खुशी आशीर्वाद नहीं दे देते, तब तक हम अविवाहित की तरह ही रहेंगे। और इस प्रण में मैं अपनी पत्नी सुमन झा का साथ दूंगा, हम दोनों अविवाहित जीवन जिएंगे। और हम इतना सब कुछ होने के बाद आपकी उपासना कैसे कर सकते हैं सरस्वती माँ? इसलिए हम आज और अभी से अपने आगे की पढ़ाई त्यागते हैं। बात से नाराज हो छोटकी बहू? हाँ, बच्चों से किस बात की नाराजगी है? हमारी इज्जत बचाने के लिए, हमारे घर का मान सम्मान बचाने के लिए उस लड़की ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। इस बात से नाराजगी है या फिर इस बात से नाराजगी है कि सुमन की रक्षा करने के लिए हमारे अंशुमन ने सुमन का हाथ थाम लिया? बोलो छोटकी बहू, किस बात से नाराजगी है? सुरभि जी, क्या हो गया है आपको? हो सकता है आज आपको सुमन और अंशुमन की जोड़ी पसंद ना हो, लेकिन वो समय याद कीजिए जब आपका ये सपना था कि सुमन और अंशुमन की जोड़ी बने। क्या तब आप गलत थी या तो फिर आप इस समय गलत हैं? दिलेश बिल्कुल सही कह रहा है छोटकी बहू, किसी का सपना, किसी की खुशी छीनने का अधिकार हमको नहीं है। और वो भी सुमन का सपना, सुमन की खुशी, जिसने हमारे घर को सिर्फ खुशियां दी। छोटी मां की तो सोच पुरानी, लेकिन आपने कभी भी ऐसा नहीं सोचा है। फिर आपने ये कैसी जिद ठानी है माँ? माँ, आज सरस्वती पूजा है। आज के दिन हम स्टूडेंट्स माता से विद्या का वरदान मांगते हैं, और आज ही के दिन सुमन ने विद्या दान देने का संकल्प ले लिया। किस वजह से माँ, किस वजह से? डॉक्टर बनने के सपने को पूरा नहीं कर पाए, सॉरी। सुरभि मां सुनिए तो हमें बताइए तो बात क्या है? सुमन, तुम अपने आप को समझती क्या?
अगर तुम्हें इस घर की बहू बनना है तो तुम्हें हमारी दी हुई कसौटी पे खरा उतरना होगा। देखिए पलकों की छांव में टू, शाम 7:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।